जय हिंद मित्रों, कोयला आवंटन में भारी कटौती कर केंद्र सरकार राज्यों पर डाल रही भेजा दबाव। इंजीनियर शैलेंद्र दुबे, चेयरमैन AIPEF। केंद्र सरकार राज्यों के बिजली घरों के कोयला आवंटन में भारी कटौती कर कोयला आयात करने के लिए राज्यों पर डाल रही है भेजा दबाव। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्र सरकार के 1 जून को पुनः जारी किए कोयला आयात करने के निर्देश पर कड़ी आपत्ति करते हुए इसे केंद्र सरकार के राज्यों पर भेजा दबाव डालने की कोशिश बताया है और अपनी मांग दोहराई है कि चूंकि कोयला संकट में राज्य के बिजली उत्पादन गृहों का कोई दोष नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को कोयला आयात के अतिरिक्त खर्च वहन करना चाहिए। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार के 1 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यों के जिन बिजली घरों ने 3 जून तक कोयला आयात करने के टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर दी है अथवा आयातित कोयले के लिए कोल इंडिया को इंडेंट नहीं दिया है, उनके डोमेस्टिक कोयले के आवंटन में 7 जून से कटौती कर उन्हें आवंटन का 70% कोयला ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं तो आदेश में आगे लिखा है कि कोयला आयात न करने पर ऐसे बिजली घरों के डोमेस्टिक कोयला आवंटन में और कटौती करते हुए 15 जून से उन्हें आवंटन का 60% कोयला ही दिया जाएगा। शैलेंद्र दुबे ने इस आदेश को मनमाना आदेश करार देते हुए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आम जनता के हितों में इसका प्रबल विरोध करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, हरियाणा ने कोयला न आयात करने का निर्णय लिया है। चेयरमैन ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार अप्रैल तक यह दावा करती रही है कि कोल इंडिया का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है और कोयले का कोई संकट नहीं है, दूसरी ओर अब इसके ठीक विपरीत केंद्र सरकार यह कह रही है कि राज्य के ताप बिजली घर कोयला आयात करें। अब यह कोयला आयात का कार्यक्रम 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। राज्यों के अधिकांश ताप बिजली घर आयातित कोयले के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। आयातित कोयला ब्लेंड करने से इनके बॉयलर में ट्यूब लीकेज बढ़ जाएंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार ने कोयला आयात करने को मुख्य ध्येय बना लिया है। चेयरमैन ने कहा कि रेलवे के रैक की कमी मुख्य कारण बताई जा रही है। ऐसे में आयातित कोयला जो बंदरगाहों पर आएगा वहां से कई हजार किलोमीटर दूरी से ताप बिजली घरों तक किस तरह यह कोयला पहुंचाया जाएगा, यह भी केंद्रीय विद्युत मंत्री को बताना चाहिए। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पुनः यह कहा है कि मौजूदा कोयला संकट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, बिजली, कोयला और रेल के आपसी समन्वय की भारी कमी के कारण पैदा हुआ है। राज्यों पर कोयला आयात करने के लिए भेजा दबाव न डाला जाए और यदि राज्यों को कोयला आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आयातित कोयले का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।